First of all, it's a great honor to be here in uh, in Poland uh, with the presence of uh, Mr Modi in uh, in uh, my country. I can say that first impression is that Mr. Prime Minister is very friendly and very warm person. so I'm really uh, right now very excited and proud that I could represent our capital group here in. There are children, children, and children. बूढ़े भी हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह वेलकम किया कोई हाथ मिला रहा है कोई गले मिलना चाह रहा है 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 कि जब से तबी से तबी से से पाकिस्तान बना तभी तभी ये चीज स्टार्ट ठीक हमें मांगना, मांगना सिखा दिया गया।, गया अच्छा। लोग अपनी आबादी को बेहतर कर रहे थे तो हमारी दीवारों पर लिखा होता था बड़ा खानदान जिहाद आसान हम सी की जंगों के लिए बच्चे पैदा कर रहे थे और इसका ताल्लुक क्या है मैं आखिरी बात करूंगा वक्त कम होता है आबादी ये जाहिर करती है कि पाकिस्तानी लोगों को सेहत की सहूलतें नहीं मिल रही और वो पोलैंड में जाकर जॉब्स कर सकेंगे और पोलैंड से काफी जॉब्स वैकेंसीज जो हैं वो भारतीयों को मिलेंगी ये कहना था जो मैंने इंटरव्यूज देखे हैं पोलैंड में रहने वाले इंडियंस के देखिए इस वक्त तो पाकिस्तान के अपने हालात पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं आ रहे तो बैरूनी ममालिक्लुका और उसको मेनटेन रखना वो तो अभी बहुत दूर की बात हो चुकी है और नेटो अमेरिका इसका एक महाज तो हो गया ये जो साउथ चाइना सी में नजर आता है एक आप... जो भी क्लाइंट्स हैं या जिन लोगों से आप डील करते हैं उनके साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं तो इंडिया इस चीज़ को बड़े अच्छे से लेता है और कह लेंगे इंडिया इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ भी समझता है भारत अब जो है वो आता आता ग्रेट पावर्स की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है जिसमें देखें मजे की बात यह है कि भारत ने पोलैंड को ये कहा है कि चाम साहब मेमोरियल यूथ एक्शन प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसमें तकरीबन बीस जो पोलिश यंग लड़के लड़कियां हैं उनको इन इंडिया इनवाइट किया जाएगा इस तरह जो पोलैंड के लोग हैं दे विल कम टू नो बाय इंडिया इंडिया के बारे में अबाउट इंडिया वो जानने की बारे में पता चलेगा और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है इन इन लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स जिसे आप कहते हैं सॉफ्ट पावर अब प्राइम मिनिस्टर मोदी वारसा के अंदर है पोलैंड के अंदर हैं, आ, पहले इंडिया की पॉलिसी यह हुआ करती थी कि इंडिया मुल्कों से दूर रहा करता था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया की यह पॉलिसी थी कि दूर रहो सब से अब इंडिया की पॉलिसी यह है कि करीब रहो सब के बट सब के करीब रहो ये नहीं एक के ज्यादा करीब एक के काम करीब दिस इज़ से ठीक है लेकिन जो बात मानने वाली है जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया का दौरा किया एक प्रेशर था इंडियन सरकार के ऊपर और मेरा ख्याल है ये जो ट्रिप है वो बेसिकली उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए है। लेकिन उन्होंने यूक्रेन के साथ पोलैंड को भी ऐड किया लेकिन ठीक है जी आ, वो जैसे कहते हैं ना एक नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर की जो केमिस्ट्री है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है सो uh, so वो कहते हैं जी हम तो दूसरे की हेल्प करते हैं हम तो बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हैं uh, हम तो अमन की बात करते हैं जंग की बात नहीं करते uh, और हम अमन के पीस के एडवोकेट हैं और हमें चैलेंजेस को इकट्ठे लड़ना है और डिप्लोमेसी और डायलॉग को अहमियत देनी है ऐसी इस तरह की बातें सारी वो हर जगह कह रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की जो मुलाकात हुई फॉरेन मिनिस्टर जो थे आ, उसके पोलैंड के दैट वाज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग मुलाकात इन मेरी अंडरस्टैंडिंग में, uh, Sikrosi, नाम है उनके फॉरेन मिनिस्टर का और उन्होंने कहा जी किस पे बात हुई के ऊपर इट जो दौरा है ये दौरा है ही यूक्रेन uh, के ऊपर और यूक्रेन के, के बारे में जो इंडिया का एक इमेज बन गया था इंडिया सपोर्ट्स रशिया इन एवरी वे ठीक है हालांकि आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने आज से दो साल पहले पुटिन को यह कहा था कि दरा ऑफ वॉर हैज़ गॉन दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर जिसको सारे यूरोपियन एंड अमेरिकन लीडर्स ने हर जगह पे सेलिब्रेट किया देखो जी भारत का वजी अजम कह रहा है कि दिस इज़ नॉट दे एन इरा ऑफ वॉर देखो जी ये हम अब भारत के जो दोस्त हैं वो उसको ये बता रहे हैं सॉरी रशिया के दोस्त अब उसको ये बता रहे हैं तो ये बात ख़त्म हो गई ये होगी वो होगी खैर ये जो 45 साल के बाद पोलैंड का दौरा है बेसिकली पोलैंड की भी किस्मत जागी बिकॉज ऑफ यूक्रेन सच्ची बात मैं पूछूँ <laughs> यहाँ शायद हो सकता है कि ये सेंट्रल एशिया सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप जितने ममालिक हैं ये एक एक पॉलिसी के तहत आते होंगे इंडिया के रडार के नीचे बट बट इस चीज़ को जहन में रखें कि हैड देर नॉट बीन मोदीज विजिट टू रशिया फ्रेंकली स्पीकिंग डॉक्टर so, जयशंकर भी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है मिनिस्टर तो अब आप इससे अंदाजा लगा लेंगे क्या चीज है uh, so, uh, ये जो जिसे कहते हैं ना uh, एक, 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 एक ऐसी डेवलपमेंट है कि एक तरफ uh, वो आए हैं यूक्राइन उन्होंने मुल्क ही वो चुना है जब आपने ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक 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 ताल्लुक हो जो कि कई दहाइयों से हो ठीक है इतना कोई मजबूत ताल्लुक इंडिया पोलैंड का नहीं है भले जाम साओ के लगे थी ठीक है अगर इतना ज़्यादा मजबूत ताल्लुक होता तो पैंतालीस साल में ये कैसे हो सकता कि ये दौरा ना होता पैंतालीस साल बाद ये दौरा क्यों ना होता यू वो आठ दफा जा चुके हैं एक बात मैं कह रहा हूँ ठीक है तो क्वेश्चन अब यू ए कितनी दफा जा चुके हैं नरेंद्र मोदी है कुछ सात दफा तो जा चुके होंगे जब से वो हूँ ठीक है uh, और कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे बार बार वो गए हैं और एंड ही एंड ही फील्स इट कमेबल ठीक है uh, उनके लिए से कोई चीज नहीं है बहरहाल अब इंडिया जो है uh, वो एक uh, देखें शायद मेरी असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग કે કે ઇન્ડિયા ને اس ચીઝ કો મહેસૂસ કિયા કે જો કમિટમેન્ટ અમેરિકન્સ ને ઇન્ડિયા કે સાથ પિછલે સાલ કી થી વો કમિટમેન્ટ બડી સ્લો હો ગઈ હે બીકોઝ ઓફ મલ્ટીપલ રીઝન્સ બીકોઝ ઇન્ડિયા બાર બાર સ્ટ્રેટેજિક ઓટોનોમી કી બાત કરતા હે બીકોઝ ઇન્ડિયા બાર બાર સિગ્નલિંગ દેતા હૈ રશિયા કે ઉપર स्टेट डिपार्टमेंट डायरेक्ट कोई बात इंडिया से नहीं कर रहा बिकॉज वो समिति इंडिया के साथ हमारा ताल्लुक कितना इंपॉर्टेंट है कभी वो अगर उनका मसला होता है तो वो अदालतों के जरिए इंडिया के ऊपर प्रेशर डालते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो इंडिया अमेरिका का जो है इंडिया के अंदर उसके जरिए मैसेजिंग करते हैं जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय पोलैंड यात्रा राजधानी वारसा में है पीएम मोदी इक्कीस और बाईस अगस्त को यूरोपीय देश की यात्रा पर और इसके बाद तेईस अगस्त को वो यूक्रेन का दौरा भी करेंगे पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का आम व्यापारिक साझेदार है किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यह 45 साल बाद पहली पोलैंड यात्रा है वार्स पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत भी किया है प्रधानमंत्री ने अपनी यूक्रेन यात्रा से पहले बुधवार को भारत आसान क्षेत्र में शांति का समर्थक है उन्होंने दोहराया की यह युद्ध का समय नहीं है किसी भी संघर्ष का समाधान कूटनीति और बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए पोलैंड में भारतीय निवेश पिछले कुछ वर्षो में लगातार बढ़ रहा है और अब यह तीन बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है भारतीय कंपनी पोलैंड के विकास में भागीदार है और उन्होंने स्थानीय स्तर पर करीब दस हजार नौकरियां पैदा की है खासकर भारतीय आईटी कंपनियों ने